तहे दिल से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल दी अगस्त में। मिक्स वेज बनाने के लिए बहुत से तरीके होते हैं, पर आज मैं जो आपको रेसिपी बताने वाली हूँ शायद ही आपने कहीं देखी होगी। आपके घर में जो सब्जी हो सभी सब्जी को साफ से धुल के और बारीक बारीक काट लीजिए। जो हम घर में नॉर्मल वड़ी बनाते हैं वही रेसिपी इसमें भी फॉलो करनी है। बेसन में अब हम हमारी कटी हुई सब्जियां डालेंगे, लहसुन अदरक कटा हुआ, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, मिर्ची, नमक। मैंने इसमें पानी का यूज नहीं किया है। अगर आपको लगता है कि आपका मिश्रण थोड़ा सा सूखा है तो उसमें हल्का सा पानी का छिट्टा दे सकते हैं। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि हमारी सब्जी और बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये जो हमारा मिश्रण है ये काफी चिपचिपाहट है, हाथ से बनाना मुश्किल है, इसलिए हमने बटर पेपर लिया है। ये बटर पेपर में आसानी से बनाया जा सकता है और साथ ही में समय भी बहुत कम लगता है। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसे कोई भी आकार दे सकते हैं। आज के ज़माने में लोग तेल खाना बहुत कम पसंद करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अलग किया जाए, इसलिए मैंने इसे भाप पे रखा है। भाप पे रखने से फ्राई करते समय ये तेल बहुत कम सूखेगा। आपके घर में जो सूखे मसाले हैं वो सारे मसाले पीस के गरम मसाला तैयार कर लें। भाप में पका देने के बाद ये कड़ा हो जाएगा और अपने आकार में आ जाएगा। अब हम इसे धीमे आंच पे फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ से। जब हमारी वड़ी दोनों तरफ से सुनहरे रंग की हो जाएगी तो आप समझ लें कि हमारी वड़ी पक चुकी है। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। उसके लिए जो हमारा बचा हुआ तेल है उसी में हम जीरा, बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, कस्तूरी मेथी और जो हमने गरम मसाला बनाया है वो उसमें डाल देंगे। इसके बाद जैसे हम नॉर्मल ग्रेवी बनाते हैं उसी तरह बना लेंगे। यानी कि अब इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर प्यूरी, दही, नमक और आधा चम्मच चीनी, जिससे कि हमारे खाने में आएगा स्वाद। थोड़ा पानी डालें, इसको हम मध्यम आंच से पकाएंगे और फिर जो हमारा तैयार हुई वड़ी है वो इसमें डाल देंगे। और अब हमारी रेसिपी तैयार है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब।